नमस्कार। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में आ गया है, जो कि 16 जून को खुलेगा और 18 जून तक आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ की लिस्टिंग गेन कितनी मिल सकती है आईपीओ में, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, तो मैंने ऐसे ही 4 ब्रोकिंग कंपनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल में आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट प्रोसेस कर सकते हैं। किम्स के बारे में बता दूं, किम्स जो है 1973 में बनी हुई कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन है, जो कि बेसिकली साउथ एरिया से बिलोंग करता है, और उनका जो मेन बिजनेस है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एरिए से आता है। ये टोटली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि साउथ के बहुत सारे शहरों में अपना हॉस्पिटल चैन चलाती है। साउथ एरिया में अभी इनके टोटल 9 हॉस्पिटल्स हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि सिकंदराबाद, नेल्लूर, राजामुंद्री, अंगुल, श्रीकाकुलम, कोंडापुर, वाइजैग, अनंतपुर और कुरनूल में है। कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एरिया में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। साथ में हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेन डॉक्टर्स एंड मेडिकल सपोर्ट स्टाफ इनके पास अवेलेबल है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का फाइनेंशियल आप लोग देख सकते हैं, सामने है आप लोगों के। 2019 मार्च को जो कंपनी का प्रॉफिट था 488 मिलियंस था, उसके बाद 2020 मार्च को 1150 मिलियन हुआ, अगेन उसके बाद मार्च 2021 में 2054 मिलियन का प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो कंपनी को फाइनेंशियल देखने से ये पता चलता है कि कंपनी जो है कंटिन्यू ग्रोथ में है, और आगे भी इस कंपनी से अच्छे खासे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। किम्स आईपीओ के डिटेल्स में कुछ डेट्स की बात कर लें तो आईपीओ जो ओपनिंग डेट है 16 जून का है, आईपीओ की क्लोजिंग डेट जो है 18 जून की है। आईपीओ का जो प्राइस है वो 815 रुपये से 825 रुपये पर इक्विटी शेयर, इसका बैंड प्राइस तय किया गया है। मार्केट लॉट टोटल 18 शेयर का होगा, और टोटल इश्यू साइज की बात की जाए तो टोटल इश्यू साइज जो है यहाँ पर 2143 करोड़ रुपये का है। रिटेल कैटेगरी में अगर आप लोग इसमें आते हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट तक का आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख से थोड़ा कम होता है, और अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लाख से ऊपर का बिड आपको करना होगा। कुछ और डेट्स की बात कर लें, आईपीओ ओपन डेट मैंने बता दिया, आईपीओ क्लोज डेट भी मैंने बता दिया, अलॉटमेंट डेट जो होगी आईपीओ की वो होगी 23 जून, और रिफंड्स जो होंगे अगर आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो वो रिफंड्स आपके बैंक अकाउंट में 24 जून को दिखेंगे, और क्रेडिट जो शेयर होगा आपका डीमैट अकाउंट में वो होगा 25 जून को, और फाइनली जो आईपीओ की लिस्टिंग होनी है वो होगी 28 जून को। कंपनी के कुछ पीयर ग्रुप कंपनीज की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, नारायणा हृदयालय लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। किम्स हॉस्पिटल के अगर अर्निंग की बात करें तो लगभग EPS इसका 15.87% चल रहा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाई है 19.93%, जो कि बताता है कि कंपनी फिलहाल अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। आप लोग बाकी पीयर ग्रुप कंपनी के भी ROW देख सकते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो कि काफ़ी कम है किम्स हॉस्पिटल के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं फाइनली इसका ग्रे मार्केट प्राइस की, तो ग्रे मार्केट प्राइस अभी जो चल रहा है इसका 250 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, और जैसे जैसे आईपीओ की डेट पास आते जाएगी इसका GMP बढ़ते चले जाएगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग पे आपको कितना परसेंट तक गेन मिल सकता है। लिस्टिंग में यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन है 40-50% तक का लिस्टिंग गेन आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि कोविड के कारण सभी हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनियों की यहाँ जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छे देखने को मिली है, जिसका साफ असर कंपनी के फाइनेंशियल पर भी दिखता है।
आईपीओ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।